नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्पेशल चर्चा में आज चर्चा भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की। पवन सिंह को पीला लिफाफा मिलना तय हो गया है, और पीला लिफाफा किस कंडीशन पर उन्हें दिया जाएगा, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा रमा देवी की बेटी की भी होगी कि रमा देवी की बेटी, शिवहर का मोतिहारी की पूर्व सांसद रमा देवी की बेटी किस पार्टी से किस सीट पर दावेदारी कर रही है। और चर्चा इस बात पर भी होगी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या बिहार के दो लोकसभा सीट, पहले चरण की दो सीट नवादा और औरंगाबाद, पूरे बिहार के चुनाव को तय करने जा रहे हैं कि बाकी के छह चरणों में क्या होगा, छह फेज के इलेक्शन में क्या होगा। क्या इस बार भी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हर सीट पर अलग अलग तरीके से खींचती हुई नजर आएगी, और जब यह लड़ाई खींचेगी तो इसका फायदा या नुकसान किसे होगा। पहले चरण की सीटों पर जिस प्रकार का मोमेंटम अभी से बनना शुरू हुआ है, जिस प्रकार से श्रवण कुशवाहा बनाम विवेक ठाकुर की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा में तब्दील होती जा रही है, जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ रहेगा या ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये लड़ाई औरंगाबाद में होती दिख रही है, क्या इसका असर काराकाट समेत पूरे बिहार पर पड़ेगा। और राजद के घोषणा पत्र में क्या आया, भाई को पीला लिफाफा मिलने पर कौन से भाई नाराज होकर रोने लगे, गुस्से से रोने लगे, निराशा से रोने लगे, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप नमस्कार। हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि पवन सिंह को पीला लिफाफा मिलना तय हो गया है, अब पवन सिंह का पीला लिफाफा किस सीट, किस पार्टी, किस खेमे से मिलेगा। पवन सिंह को लेकर के हाय तोबा इंडिया गठबंधन ने मचाया था जब आसनसोल से उन्हें टिकट मिला था, और बंगाली लड़कियों पर उनके अश्लील गानों को लेकर के ये हाय तोबा मचाई गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन ही उन्हें टिकट देगी या कोई और खेमे से उन्हें टिकट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, मैं राजद से भी पवन सिंह की चर्चा है कि पवन सिंह राजद के सिंबल पर लड़ेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है, लालू यादव से उनकी बातचीत भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि पवन सिंह ने मायावती से मुलाकात किया है, तो दोनों खबरें हैं। खबर ये भी है कि मायावती से भी पवन सिंह की मुलाकात हुई है। हो सकता है कि बीएसपी के सिंबल पर पवन सिंह चुनाव लड़े काराकाट से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पटना में चर्चा है, पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह ने राजद से भी संपर्क साधा है। जिधर से भी पीला लिफाफा मिल जाएगा, बसपा या राजद दोनों में से जिधर से सिंबल मिल जाएगा उधर से ही पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह के चुनावी फिजा में उतरने से, खासकर काराकाट में, नीतीश कुमार के पुराने साथी, पुराने दुलारे नेता उपेंद्र कुशवाहा के जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, खासकर लोकसभा चुनाव का, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेंट होती हुई दिख रही है। यदि पवन सिंह की एंट्री होती है, पवन सिंह राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनका अपना फैन फॉलोइंग है, और निश्चित ही एक राजपूत समुदाय के एक मजबूत उम्मीदवार यदि पवन सिंह उतरते हैं, इसका डायरेक्ट जो नुकसान होगा वो उपेंद्र कुशवाहा को उठाना होगा। उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते हैं कि एक सीट दिया गया था उपेंद्र कुशवाहा को, और उसमें भी इस प्रकार का यदि डेवलपमेंट होता है तो मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत पाएंगे। ऋषि मिश्रा जी, वो सीट माले के खाते में है इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल, वो सीट यदि राजद के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं पवन सिंह, दर्शकों को मैं कह दूं, बता दूं, पवन सिंह राजद के सिंबल पे लड़ते हैं तो सीट का अदला बदली हो सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सिवान को लेकर अभी लालू यादव ने कोई स्टैंड नहीं लिया, राजद ने कोई सीट डिक्लेयर नहीं किया है सिवान का। यदि काराकाट से राजद के सिंबल पे पवन सिंह लड़ते हैं तो सिवान जो है लेफ्ट को दिया जा सकता है, और इस स्थिति में मुझे लगता है कि हिना साहब और बेहतर पोजीशन में हो जाएंगी। जी पवन सिंह की बात आपने की, पवन सिंह काराकाट से उतरेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। राजा राम सिंह के खिलाफ उनकी लड़ाई बहुत सपाट दिख रही है, ये बात माले को भी पता है और ये बात इंडिया गठबंधन को भी पता है। लेकिन दो सीटों की बिहार में बहुत चर्चा है, कहा जा रहा है कि इन दो सीटों पर हिट एंड ट्रायल चल रहा है, औरंगाबाद और नवादा। हिट एंड ट्रायल इस मामले में कि इन दो सीटों से जो नैरेटिव बनेगा,
आप जानते हैं कि किस कहीं भी जो चुनाव होता है पहले फेज में जो नैरेटिव बनता है वो नैरेटिव आखिरी फेज तक जाता है। तो दो सीटों को माना जा रहा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, भूमिहार राजपूत बनाम बैकवर्ड क्लासेज, इसके खिलाफ जो नैरेटिव बनाने के लिए लालू यादव ने कोशिश की है। देखिए पहले चरण में दो सीटें तो रिजर्व है, वहां कोई नैरेटिव बन नहीं सकता अगड़ा बनाम पिछड़ा का, गया और जमुई में बची दो सीटें, और उन दोनों सीटों पर परंपरागत अंक गणित से ऊपर निकलकर सम्राट चौधरी के कोर वोट बैंक, जिसके लिए सम्राट चौधरी को बिहार में मोहरा बनाया गया, उस कोर वोट बैंक से कैंडिडेट बनाने का काम इंडिया गठबंधन ने और राजद ने किया है, श्रवण कुशवाहा और अभय कुशवाहा। क्या लगता है इन दो सीटों से जो नैरेटिव बनता हुआ दिखेगा 19 अप्रैल को, क्या ये 1 जून तक जाएगा? देखिए थोड़ा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है तो सुशील सिंह जो अभी अभी तक बैकफुट पे हैं तो उनको तो फायदा ही होगा। सुशील सिंह का कोर वोट बैंक जो है राजपूतों का रहा है, राजपूतों में सुशील सिंह को लेकर नाराजगी है, बीजेपी से ही रामाधार सिंह जो एक मजबूत राजपूत नेता है उनका भी उनसे बेहतर इक्वेशन नहीं है, वो उनका विरोध कर रहे हैं, राजपूत समुदाय से तमाम वो नेता भी उनका विरोध कर रहे हैं जो जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, वो भी उन लोगों का सुशील सिंह का को लेकर विरोध है। उनका ये कहना है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसी भी राजपूत समुदाय के आने वाले नेता को आगे नहीं बढ़ाया, किसी राजपूत समुदाय के आने वाले छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि है उनको आगे नहीं बढ़ाया। मैंने एक औरंगाबाद के एक जिला परिषद सदस्य से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए इसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और दुर्भाग्य देखिए जिला परिषद सदस्य जब अध्यक्ष की चुनाव हुई तो एक भी राजपूत जिला परिषद ऐसा नहीं था जो जिला परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े, या ऐसा कोई एक जिला परिषद सदस्य नहीं था जिसको सुशील सिंह ने आगे बढ़ाया हो और तन मन धन से उसके साथ लगा हो। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी अपने ही समाज का, देखिए यदि आपका कोर वोट बैंक ही नाराज है तो एडिशनल वोट को आप और अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि यदि औरंगाबाद में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका ये अर्थ हुआ कि जो उनका कोर वोट बैंक है लास्ट टाइम में इंटैक्ट होती जा रही है। और स्वाभाविक आप जानते हैं अभिषेक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि यदि चुनाव में बीजेपी से कोई एक समाज का आदमी लड़ रहा है और दूसरी तरफ दूसरे समाज का लड़ रहा है, एक अग्रा लड़ रहा है एक पिछड़ा लड़ रहा है, तो कितना भी नाराजगी हो अंत में जब लोग बूथ पे जाते हैं तो अपने समाज के तरफ देखते हैं और लगता है कि चलिए फिर नाराज तो हैं लेकिन चलिए अपने समाज के हैं, क्योंकि अगला भी जो है एक राजपूत समुदाय से है, दूसरा कुशवाहा से है। तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि अगर पिछड़ा की लड़ाई होने की संभावना है तो इसमें तो सुशील सिंह को तो और फायदा है, जो नाराजगी है वो दूर होती दिख रही है, और नाराजगी यदि दूर होती दिख रही है तो हो सकता है सुशील सिंह किसी गैर यादव ओबीसी को अट्रैक्ट करने में सफल हो। कोई भी देखिए कोई भी MY के अलावा कोई भी तबका जो एंटी लालू एस्टेब्लिशमेंट में विश्वास करता है, एंटी राजद वोट में विश्वास करता है, एंटी राजद विचारधारा में विश्वास करता है, उसी उम्मीदवार के साथ क्लब होना चाहता है जो जीतने के पोजीशन में हो। अरे सुशील सिंह जीतने के पोजीशन में नहीं होंगे। जी जी देखिए आपने जो बात कही, ठीक है दो विधायक नवादा की रैली में नहीं थे तेजस्वी यादव की सभा में, जो नवादा इलाके में नवादा क्षेत्र में जो तेजस्वी यादव की कल मीटिंग हुई है मुकेश सहनी के साथ, उसमें दो विधायक नहीं थे राजद के, ये बात बिल्कुल सत्य है, और वहां राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। लेकिन यादवों की जो भीड़, यादव समाज के लोगों की जो विशाल भीड़ कल देखी गई है तेजस्वी यादव की सभा में, उसको देखकर बड़े बड़े लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनाव के लिए पूरी इज्जत बख्शते हुए लोग विनोद यादव को कहें कि ठीक है आपके लिए आपके परिवार के लिए सम्मान है लेकिन यहाँ समूच की लड़ाई है, यहाँ हमें श्रवण कुशवाहा के साथ जाने दीजिए। ये हालात तो नवादा में भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं बीजेपी के लिए, विवेक ठाकुर के लिए। देखिए यहाँ चाहे राजद के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हो या बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर हो, दोनों पार्टियों में दोनों तरफ से जो बगावत हुआ है, चाहे गुंजन सिंह जो उनके समुदाय से संबंध रखते हैं, विवेक ठाकुर के समुदाय यानी भूमिहार समाज रखते हैं, उन्होंने निर्दलीय टाल ठोक दिया है,
विवेक ठाकुर जी सपा में है, विवेक ठाकुर जी खुशनुमा माहौल में जी रहे हैं कि भाई राजद के जो इंटैक्ट वोट है उसमें भी बगावत है, राजवल्लभ यादव के छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, तो दोनों जो नेता हैं संभावित जो सांसद हैं इस भाव में है कि इधर से बगावत होगा तो मेरा फायदा होगा, उधर से बगावत होगा मेरा फायदा होगा। सवाल ये उठता है कि अपने वोट को दोनों, चाहे विवेक ठाकुर हो या श्रवण कुशवाहा हो, अपने विचारधारा के वोट को कितना इंटैक्ट रखते हैं। दूसरी बात ये मैं बात बिल्कुल सही है कि लालू या तेजस्वी यादव के रैली के बाद डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। अब कितना डैमेज कंट्रोल होता है, क्योंकि देखिए बीजेपी है, देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कोई वेव नहीं है, लेकिन एंटी इनकमेंसी भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नवादा में मेरे हिसाब से क्लोज फाइट होगा, क्लोज फाइट में 30-40 हजार 50 हजार का जो वोट होगा बड़ा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। इसको जो कंट्रोल कर लिया वो नवादा में चुनाव जीतेगा। हालांकि मेरा आज भी मानना है, मेरे मत से कई विद्वान पत्रकार जो है मतांतर रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है श्रवण कुशवाहा को एज है विवेक ठाकुर के तुलना में, और श्रवण कुशवाहा के पक्ष में दो तीन बातें जाती है, एक तो वो लोकल है, दूसरा एफआई प्लस उनका समाज जो है बिल्कुल इस बार पूरे तन मन धन से उनका समाज राजद को सपोर्ट कर रही है, यानी श्रवण कुशवाहा के पक्ष में है कुशवाहा समाज, वहां सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो एनडीए को वोट दिला पाए। दूसरा अशोक महतो के कारण भी जो पिछड़ों का मतलब गैर यादव ओबीसी है उसका भी मत उनको, एक रोचक मुकाबला आपको नवादा में देखने को मिलेगा। और मेरे आपको एज है और मेरा अनुभव मेरा चलेगा जी। ऋषि जी मैं एक पॉलिटिक्स बिहार में और चल रही है जिसकी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोर वोटर वैश्य समूह, वैसे कोई जाति नहीं है, कई सारी जातियों का एक ग्रुप है जो बिजनेस व्यवसाय करते रहे, छोटे मोटे व्यवसाय लोग करते रहे, उस समुदाय का एक ग्रुप है और उस ग्रुप की नाराजगी की बात सामने आ रही है। अब इसी बीच एक चर्चा है कि मोतिहारी से एक बार और शिवहर से तीन बार सांसद रही बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी, इस बार उनका टिकट काट के लवली आनंद को दे दिया गया जो राजपूत समुदाय से आती है शिवहर लोकसभा सीट पर, और मोतिहारी लोकसभा सीट से रमा देवी की बेटी रागनी गुप्ता जिनके पति नितिन गडकरी के मंत्रालय के तहत कभी आता था, दूसरे मंत्रालय के अधीन है, सागर माला प्रोजेक्ट उसके डायरेक्टर हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं अब रमा देवी के दामाद, लेकिन उनकी बेटी जो है दिलीप गुप्ता की पत्नी और रागनी गुप्ता, उनकी चर्चा मुकेश सहनी की पार्टी से मोतिहारी में है, क्या लग रहा है? देखिए अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, रमा देवी कि बेटी एक संभावित प्रत्याशी हो सकती है। अब मैंने पहले भी कहा है कि मोतिहारी में वैश्य समाज की बहुलता है और वैश्य समाज एक तरह से बीजेपी से नाराज है, पिछले बार 2019 में 3 सीटें इस समाज को समाज से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने उतारा था, इस बार सिर्फ संजय जायसवाल बेतिया से लड़ रहे हैं। और रामा देवी के बारे में बताऊं, उनके पति ब्रिज बिहारी प्रसाद या रामा देवी का कार्य क्षेत्र मोतिहारी भी रहा है, और जो ब्रिज बिहारी इसी मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के आते थे और रमा देवी वहां से सांसद भी रही है, अध्यक्षों की नाराजगी भी है बिहारी प्रसाद का इलाका उसी चंपारण बेल्ट से, आप यदि पूर्वी चंपारण, वही तो मैंने कहा बेतिया नहीं मोतिहारी, नहीं जिला मोतिहारी लोकसभा सीट जो है मैंने बेतिया नहीं, वो बेतिया में आती थी आदापुर विधानसभा। अच्छा चलिए जी ठीक तो मोतिहारी में उनका मतलब कार्य क्षेत्र है और रमा देवी व्यस्त समुदाय से बिलोंग करती हैं, हालांकि कलवार व्यस्त में भी कलवार समाज से आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो इसका फायदा महागठबंधन को होगा, क्योंकि देखिए महाराजगंज में आप भूमिहार उतारेंगे ये करीब करीब तय है, क्योंकि महाराजगंज में बीजेपी की तरफ से राजपूत समुदाय से आने वाले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, तो वहां भूमिहार उतारेंगे तो स्वाभाविक है किसी वैश्य को आपको देना होगा, हालांकि शिवर में भी उन्होंने वैश्य उतार दिया है, तो इस पे गुणा भाग चल रहा है।
तो आपने बिल्कुल सही कहा, पटना के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पे है, पटना से लेकर मोतिहारी तक, कि रमा देवी जो बीजेपी की पूर्व सांसद थी, वरिष्ठ नेताओं में शुमार होती हैं रमा देवी, उनके परिवार से यानी उनकी पुत्री को मोतिहारी से चुनाव लड़ाया जा सकता है और मुकेश सहनी के संपर्क में है। जी जी मोतिहारी की चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है आईआईटीएम सच्चिदानंद राय की। सच्चिदानंद राय निर्दलीय एमएलसी है और दल बदल कानून के प्रावधानों को भी आप जानते हैं कि दल निर्दलीय या किसी दूसरे दल का विधायक यदि किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी विधानसभा की सीट या विधान परिषद की सीट छोड़नी पड़ेगी। निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो नहीं छोड़नी पड़ेगी। सच्चिदानंद राय चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी निर्दलीय उनका समर्थन करे, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर यदि चुनाव लड़ने जाएंगे तो उन्हें एमएलसी की सीट छोड़नी पड़ेगी जो कानून है उसके मुताबिक। अब सच्चिदानंद राय निर्दलीय वहां मैदान में उतर रहे हैं, तो महाराजगंज में क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार के हालात बन रहे हैं? अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह की भी चर्चा है, लेकिन मेरी जानकारी में राहुल गांधी उनको टिकट देने के अनिच्छुक है। देखिए, कल हमारी एक मोतिहारी में एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि करीब करीब तय है आकाश सिंह महाराजगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये करीब करीब तय है कि मोतिहारी में उनकी जो बात है, एक अंडरस्टैंडिंग है मुकेश सहनी से, अभी तक नहीं बन पाई है। और आप जानते हैं कि आज 13 तारीख है, आज या कल तक कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हो जाएगा, तो संभावित उम्मीदवारों में आकाश सिंह भी हैं, लेकिन यदि सच्चिदानंद राय लड़ते हैं, क्योंकि बगल के छपरा से संबंध रखते हैं, महाराजगंज में भी उनकी सक्रियता रही है, यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो वो नुकसान निश्चित ही, यदि महागठबंधन के तरफ से भूमिहार उम्मीदवार उतरता है उनको नुकसान पहुंचाएंगे, यदि महाराजगंज में भूमिहार समुदाय से किसी व्यक्ति को महागठबंधन नहीं उतारती है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। यदि आप देखें, यदि किसी पिछड़े को वहां यदि महागठबंधन उम्मीदवार बनाती है, हालांकि ये संभावना कम है कि भूमिहार समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति पे ही वो दाव लगाएंगे, चाहे अरुण कुमार हो, सच्चिदानंद राय का खुद नाम चल रहा था, आकाश सिंह का नाम चल रहा था, कन्हैया कुमार का नाम चल रहा था, कल एक नया नाम उभर के आया है, मेनका रमन जो पूर्व जिला पार्षद रही है और भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट की प्रदेश अध्यक्ष रही है, जेजेपी जो आशुतोष जी की पार्टी थी, तो कई ऐसे नाम राजनीतिक गलियारों में नाम, ऐसे कई नाम जो फिजा में तैर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि महाराजगंज में यदि आकाश सिंह के बदले अरुण कुमार को यदि टिकट देते हैं, जिनका अपने समाज में बड़ा प्रभाव है, बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, यदि उनको वहां पे उम्मीदवार बनाया जाता है तो एक अच्छा इक्वेशन बन के उभरेगा, लेकिन अरुण बाबू को सच्चिदानंद राय को मनाना होगा, सच्चिदानंद राय यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान अरुण बाबू हो सकता है, यदि अरुण कुमार प्रत्याशी बनते हैं तो। जी, एक चर्चा बिहार में आजकल बहुत चल रही है और वो चर्चा है कि एक जाति के दो उम्मीदवार बिहार में सिर्फ दो सीटों पर आए हैं, वो है मधेपुरा की सीट जहां दो यादव आमने सामने हैं और बांका की सीट जहां पर वहां भी दो यादव आमने सामने हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जहां आमने सामने की लड़ाई एक जाति विशेष के दो उम्मीदवारों के बीच हुई थी वहां फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्योंकि उस जाति विशेष के अधिकांश वोटर ये देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट भी उन्हीं की जाति का है तो उनके साथ चले गए थे। इस बार 34 सामान्य सीटों में से 32 पर एक जाति विशेष के दो कैंडिडेट के टकराने की संभावना नहीं है, क्योंकि काराकाट में भी अब पवन सिंह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, अभी तक वहां एक जाति विशेष दो लोग थे। जब एक जाति विशेष के दो लोग आमने सामने नहीं टकरा रहे हैं तो इसका फायदा किसे होगा? देखिए, बिल्कुल आप कई कई सीटों को ले लीजिए, जैसे ऋतु जसपाल वर्सेस लवली आनंद, यदि ऋतु जसपाल अपने समाज के सभी लोगों को साथ लिए तो लवली आनंद की राह आसान नहीं होगी, और ऐसे इक्वेशन में लोगों को लगता है कि वहां पे सामाजिक जो सामाजिक लड़ाई है, देखिए ग्राउंड पे हर जिले में, हर विधानसभा में, हर कस्बा में सामाजिक लड़ाई है, कहीं भूमिहार वर्सेज यादव है, कहीं यादव वर्सेज राजपूत है, कहीं कुशवाहा वर्सेज यादव है, कहीं कुर्मी वर्सेज यादव है, कहीं मल्ला वर्सेज यादव है, कहीं निषाद वर्सेज, तो इस इक्वेशन में जैसे शिवहर का जो राजनीतिक इक्वेशन है आप बेहतर समझते हैं हमसे, वहां वेस्ट को लग रहा है कि हमारा हमारे समाज से आने वाली रमा देवी का टिकट बीजेपी ने काट दिया,
राजद ने उसी समाज से आने वाली रितु जसवाल को टिकट दे दिया है। अब रितु जसवाल उसको कितना कन्वर्ट कर पाती है, यदि कन्वर्ट कर पाती है तो 3.75 लाख वैश्य मतदाता है, प्लस MY का समीकरण है, ब्राह्मणों में भी नाराजगी है बीजेपी को लेकर, तो उसको कितना वो क्लब कर पाती है ये देखना है। आप देख लीजिए जैसे वैशाली में भूमिहार वर्सेज राजपूत की लड़ाई है जी। अब भूमिहार राजपूत का कभी भी बेहतरीन क्वेश्चन नहीं रहा है, और मुजफ्फरपुर वैशाली की जो राजनीति है उसमें दिनेश सिंह का परिवार और शुक्ला परिवार में हमेशा टकराव रहा है, तो इसका भी फायदा ग्राउंड पे मिलता है। लेकिन मुन्ना शुक्ला क्योंकि भूमिहार NDA का कोर वोट बैंक रहा, कट्टर समर्थक माने जाते हैं मोदी का भूमिहार, उनको कितना डेंट करते हैं, कितना वो अपने प्रभाव से अपने समाज का वोट इस खेमा में लाते हैं। देखिए एक मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अपने हाथों से, ये जो भूमिहार है इधर है, इसको खींच के इधर लाना है, अब कितना ये खींच पाते हैं इधर मुन्ना शुक्ला, तो ये फायदा तो मिलता है। लालू यादव ने इसी चीज का प्रयोग किया, सामाजिक इक्वेशन का प्रयोग किया है। और मैं कल भी TV9 भारत वर्ष पे था, मैंने कल ये चीज कहा दिल्ली में बैठे पत्रकारों को कि लालू यादव ने जिन 8 सीटों पे यादवों को उतारा है, यदि वहां गैर यादव OBC EBC में ये 8 प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को छोड़कर सेंध लगाने में सफल नहीं हुए तो राजद की राह वहां मुश्किल होगी, चाहे वो बीमा चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो छपरा में रोनी आचार्य हो। मीसा भारती पार्टी ऋषि मिश्रा जी आप यही चीज देखिए, धनबाद में पड़ोस का राज्य है झारखंड, वहां ढुलू महतो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां लगातार राजपूत सांसद हो रहे थे बीजेपी से, राजपूतों की अच्छा खासा दबदबा है झारखंड में वहां धनबाद में, उनका टिकट काट कर अब ढुलू महतो जाति से तेली बताए जाते हैं, अब नरेंद्र मोदी भी तेली समुदाय का होने का क्लेम करते हैं, ढुलू महतो भी तेली समुदाय के हैं, और साफ साफ वहां से आने वाली रिपोर्ट कह रही है कि धनबाद में बीजेपी एड ऑन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि PM भी तेली समुदाय से, कैंडिडेट भी तेली समुदाय से, तो जोड़ेंगे क्या। ठीक यही स्थिति आप कह रहे हैं, लालू यादव जहां जहां सुरेंद्र यादव की स्थिति छोड़ दीजिए, वहां तो भूमिहार भी उन्हें मदद कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, जहां जो दूसरे यादव मीसा भारती रोहिणी आचार्य और बाकी लोग जहां यादव कैंडिडेट लालू यादव के लड़ रहे हैं, वहां MY के सिवा वो तीसरा एड ऑन करने की स्थिति में नहीं है, ये सवाल तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए भाई साहब, ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है, यादव एक डोमिनेटेड कास्ट है, एक दबंग कास्ट है, और यदि आप दबंग कास्ट से जिसका मतलब लालू यादव के सत्ता में रहते हुए अपने क्षेत्र में प्रभाव रहा है, चौक चौराहे पे प्रभाव रहा है, देखिए आपको ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा, लोग दर्शकों को समझाने के लिए ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक चौक है रुनीसैदपुर चौक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रुनीसैदपुर विधानसभा में रुनीसैदपुर चौक है, और वहाँ भूमिहार वर्सेज यादव की टसल है, यादव वर्सेज अन्य जातियों का टसल है, उस स्थिति में यदि आप रुनीसैदपुर से किसी यादव को लड़ा देंगे और आपको ये उम्मीद होगा कि गैर यादव लोग आपसे साथ जुड़ जाएंगे, ये मुश्किल है। यही सीतामढ़ी में आपने अर्जुन राय, हालांकि अर्जुन राय सॉफ्ट नेचर के हैं, कोई दबंग चेहरा नहीं है, लेकिन जो अच्छे आदमी, लेकिन जब यादव जैसे ही उम्मीदवार वहां आपने यादव दिया तो ना आपके साथ कुशवाहा जुड़ेंगे ना आपके साथ वैसे जुड़ेंगे, वो दोनों में तुलना करेंगे देवेचंद ठाकुर और अर्जुन राय में। देखिए दोनों देवेचंद ठाकुर और अर्जुन राय दोनों शांत स्वभाव के लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों को जानता हूँ, अर्जुन राय तो हमारे विधायक भी, दोनों लोग अच्छे आदमी है, शांत स्वभाव के तौर पर मैं दोनों को जानता हूँ, काफी उनकी अच्छी दोनों की अच्छी छवि, बिल्कुल अर्जुन राय तो हमारे विधायक भी रहे हैं, और ऐसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव पड़ता है उसके विधायक रहे हैं, मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत, लेकिन जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, यादव समाज से बिलोंग करते हैं, डोमिनेट कास्ट है, तो कुशवाहा और जो वैश्य है उसमें ये देखेंगे और सामाजिक इक्वेशन देखेंगे, उसमें बीजेपी NDA JDU के जो उम्मीदवार है उनको बेहतर उनका बेहतर चॉइस होगा, उधर चले जाएंगे। यही सीतामढ़ी में किसी वैश्य को उतार देते, फिर वैश्य देखता कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति जो है सांसद बनने जा रहा है, तो वो टर्न आउट हो जाते, और यादव आज भी लालू यादव को अपना भगवान मानता है, यादव आज भी लालू यादव को मसीहा मानता है, किसी अर्जुन राय को यादव वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है बीजेपी कैंडिडेट को वोट न देके नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, इसी तरह यादव समाज के लोग जो हैं, मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी? हाँ आ रही है,
यादव समाज के लोग जो हैं, जी यादव समाज के लोग हैं वो अर्जुन राय, फन्ना राय किसी यादव को नहीं देते हैं, वो लालू यादव को देते हैं। तो ये प्रयोग यदि सीतामढ़ी में करते तो सफल रहता और इसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को मिलता है एक सीट। मुझे लगता है जो स्थिति आप सीतामढ़ी में है उसमें देवेश चंद्र ठाकुर को एज है। जी आप एज की बात कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय महाकुंभ, राजपूत महासम्मेलन, ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ राजपूत समुदाय ने राजस्थान में झंडा उठा लिया है, गुजरात के राजकोट इलाके में झंडा उठा लिया है, लगातार सम्मेलन हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ। क्या बिहार के राजपूतों पर इसका असर दिख रहा है? क्या बिहार के राजपूत नरेंद्र मोदी के खिलाफ झंडा उठाने की स्थिति में है या अब भी नरेंद्र मोदी उन्हें भगवान राम के अवतार नजर आ रहे हैं? देखिए आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताया। राजपूत जो है, जनरली राजपूत गुजर जो हैं जनरली वो बीजेपी के कोर वोट बैंक होते हैं राजस्थान में। यदि राजपूत में खासकर पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद गुजरात से लेकर राजस्थान में यदि इस प्रकार की नाराजगी है तो ये चिंता का सबब है बीजेपी के लिए, क्योंकि राजस्थान में पहले से ही जाट समुदाय नाराज है और जाट और राजपूतों में क्वेश्चन कभी बेहतर नहीं रहा, दोनों में पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा संघर्ष रहा है। हालांकि इस बार सचिन पायलट को बड़ा रिस्पांस पार्टी ने दिया, उनके कहने पर कई लोगों को टिकट दिया है, तो इस बार गुजर समाज का भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोट कांग्रेस को मिलेगा। कई ऐसे सीट है जैसे दौसा है, सवाई माधोपुर है, तमाम ऐसे सीट है वहां पे क्या कहते हैं आपको कि गुजर समाज का मिलेगा। तो ये इक्वेशन, इसका प्रभाव कितना बिहार में पड़ता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात आप मत भूलिए कि बीजेपी ने सबसे अधिक किसी कास्ट वाइज यदि आप एनालिसिस करें सबसे ज्यादा किसी जात को साधने का प्रयास किया है। हालांकि बीजेपी कहती है पिछड़े की पार्टी है, ओबीसी ईबीसी, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ओबीसी ईबीसी, क्या क्या कहते हैं, कभी ओबीसी कहते हैं कभी ईबीसी कहते हैं, पता नहीं ये प्रधानमंत्री बता पाएंगे कि ओबीसी ईबीसी है। लेकिन जिस राजपूत समुदाय की आप बात करते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी ने 17 में से किसी जात को टिकट दिया है वो राजपूत समाज को दिया है। 5 टिकट उन्होंने राजपूत समुदाय से आने वाले व्यक्ति को दिया है, नेता को दिया है। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज को साधने का तो प्रयास किया है, लेकिन राजपूत समुदाय जो होता है स्वाभिमानी कास्ट होते हैं, नाक की लड़ाई के लिए गर्दन भी कटवा सकते हैं। यदि उनके स्वाभिमान के साथ किसी बीजेपी के नेता ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने इस प्रकार का यदि कोई बयान दिया है तो उसका नुकसान निश्चित ही, यदि वो नाराजगी की गर्मी यदि बिहार के धरती तक पहुंचता है तो इसका नुकसान बीजेपी उठाना पड़ सकता है। जी राजपूत समुदाय के बाद अब चर्चा करते हैं, क्योंकि वैश्य समुदाय की बहुत चर्चा हो रही है, तेली समाज की। वैश्य समुदाय में लगभग आधा वोट तेली समाज का है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वैश्य बिहार में भाजपा से नाराज है तो क्या तेली समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी, जो खुद तेली समुदाय का होने का दावा करते हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने कहा भी था कि तेली साहू सब घाची सब एक ही समुदाय है, ये बात उन्होंने छत्तीसगढ़ में कही थी। आप ये बताइए ऋषि जी कि सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट वैश्य राजनीति का शिवहर लोकसभा सीट पर होने जा रहा है। पूर्णिया के बाद पूरे देश की नजर बिहार के जिस सीट पर है, पप्पू यादव के बाद, तो वो लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल की सीट पर है। और सवाल ये उठता है कि जहां वैश्य समुदाय में लगभग 60% तेली समाज के लोग हैं, शिवहर में 180,000 के करीब आबादी है वहां तेली समाज के वोटर्स की, ये बताइए कि क्या तेली समुदाय वैश्य एकता के नाम पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से, तेली समाज के प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ऋतु जायसवाल को वोट करेगा, या वैश्य समुदाय से आने वाले ऋतु जायसवाल को सांसद बनाने के लिए उनके लिए तेली समाज जाके राष्ट्रीय जनता दल की ऋतु जायसवाल को वोट करेगा? देखिए अभिषेक जी, इस बात को समझना होगा बीजेपी ने कहां मिस्टेक किया है या जेडीयू बीजेपी ने कहां मिस्टेक किया। आपने एक तरफ सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया, वो भी वैश्य समाज से आते थे, एक तरफ आप फिर रामा देवी का टिकट काट दिया और 2019 में आपने तीन वैश्य समाज से आने वाले तीन लोगों को टिकट दिया, इस बार सिर्फ संजय राउत को दिया और दो सटे हुए लोकसभा क्षेत्र में जहां से दोनों सांसद वैश्य समाज के आते थे दोनों का टिकट काट दिया, उसका रिप्लेसमेंट आपने कुछ दिया नहीं।
तो नाराजगी तो है। और रितु जायसवाल जो है एक संघर्षशील नेत्री हैं, और उनका जो मतलब डायलॉग डिलीवरी है, बोलने का कला है, लोगों को जोड़ने का जो कला है, राजनीति इक्वेशन समझने का जो कला है, बहुत ही इंटेलिजेंट नेत्री है। लेकिन खबर यह भी है कि लवली आनंद ने भी, आनंद मोहन ने भी इसका रिजोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है, इसको डिकोड करने का प्रयास किया है कि तेली समाज के जो अपने समाज अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं उन लोगों से उन्होंने संपर्क साधना शुरू किया है। कहा यह भी जा रहा है कि मुसलमान तबका में भी जो मुसलमान उच्च जाति के जो मुसलमान है उनका भी सपोर्ट आनंद मोहन को मिल रहा है। लेकिन अभी फिजा अभी समय बाकी है, सुनिए मेरी बात, अभी समय बाकी है। और शिवहर में जब बड़े नेताओं का प्रचार होगा, खासकर लालू यादव का प्रचार होगा, और माइनॉरिटी एक बड़ा फैक्टर है जो रितु जायसवाल के पक्ष में जाता है। मैं शुरू में भी कहा रितु जायसवाल संघर्षशील नेत्री का एक इमेज है और सॉफ्ट नेचर का है, नेचर की है, और कोई एग्रेसिव चेहरा उनका नहीं है। तो वो तेली समाज में नाराजगी भी होगी तो मुझे लगता है कि वो उसको कम करने का जरूर प्रयास करेंगी। यदि मैं बार बार कह रहा हूँ समाज एकजुट रहा, वह समाज एकजुट। ऋषि मिश्रा जी, एक लाइन में हमारे दर्शकों को बताइए, अब तेली समाज के लोग ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भी उनका रहे और सांसद भी उनका रहे, ये दोनों तो नहीं मिलेगा, तब तो ढूंढ मत हो जाएगा धनबाद की तरह। आप तेली समाज का वोटर क्या सोच रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या वो प्रधानमंत्री सब बनाना चाह रहा है या वो सांसद नहीं, सांसद का टिकट नहीं मिलने पर गुस्सा निकालना चाह रहा है, क्या चाहिए तेली समाज को? आप अपने अनुभव से जो जमीन पर देख रहे हैं वो बताइए। जैसे कोई बच्चा डिमांड करता है ना कि पापा बैट चाहिए, और आप कहते हैं कि तुमको कल हम ले चलेंगे मेला घुमाने, तो बच्चा कल का नहीं देखता है, आज का देखता है कि आज बैट चाहिए तो चाहिए। वह समुदाय देख रहा है कि प्रधानमंत्री तो बनना ही है नरेंद्र मोदी को, अभी एक सीट कम भी हो जाएगा कोई ठीक कोई बात नहीं, हमारा वैश्य समाज की प्रतिनिधित्व तो बढ़ जाएगा जी। और आप कोई भी पार्टी बीजेपी की क्या रणनीति है, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या उन्होंने जेडीयू से बात नहीं की, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ सीतामढ़ी में? कम से कम तो एक, यदि आप शिवहर में टिकट काट दिए सीतामढ़ी में, कम से कम एक तो वैश्य उतारते, तो नाराजगी तो है ही। और ये वैश्य समाज जो है अपने समाज के प्रति बहुत ही समर्पित लोग होते हैं, और मुझे लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं सीतामढ़ी में भी और शिवहर में भी और मोतिहारी, तीनों लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा एनडीए को जी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है राष्ट्रीय जनता दल का, और वो घोषणा पत्र काफी मेल खा रहा है भारतीय जनता से, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से। उसमें 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, 5 एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की बात है, रक्सौल, भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज और एक और एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर, इन 5 एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की बात है। किस तरह से देख रहे हैं इस घोषणा पत्र को, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना देने की भी बात है, 8500 रुपए जो राहुल गांधी ने कही है उसी का कट को सबसे लग रहा है। देखिए एक तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, आपसे जी तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं का अट्रैक्शन क्यों था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने हर रैली में करीब करीब ये कहा था कि आते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी का ये करेंगे। इस घोषणा पत्र में सबसे अट्रैक्टिव चीज है 1 करोड़ जॉब का, जो तेजस्वी यादव ने कहा है। नीतीश कुमार कितना भी चैलेंज कर ले, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उन्होंने कहा था कि हम जब इतना नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार मजाक उड़ा रहे थे कि पैसा अपने डैश 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 के घर से लाओगे। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए डैश डैश बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार ने कहा था कि इतना तुम नौकरी दोगे, 1 लाख नौकरी दोगे, तो पैसा अपने डैश डैश घर से लाओगे, बाप के घर से लाओगे। अब मैं डैश डैश छोड़ दूंगा, मैं यही पूरा बोली देता हूँ, दर्शक समझ जाए। तो तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए, उन्होंने डिलीवरी करके दिया, 3-4 लाख लोगों को नौकरी दिया, जिसको लेकर नीतीश कुमार कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। तो तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र पे लोगों का भरोसा है, खासकर रोजगार को लेकर, और ये मुझे लगता है की फैक्टर हो सकता है। तेजस्वी यादव यदि चुनावी प्रचार में इस चीज को रखते हैं तो युवाओं का झुकाव जो है तेजस्वी यादव के प्रति हो सकता है, और उसमें मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टूट जाएंगे तब तो।
यदि उसको जमीनी स्तर पे तेजस्वी यादव उतार दें, खासकर रोजगार को लेकर, तो ये जो कास्ट इक्वेशन भी मुझे लगता है कि टूटता हुआ दिखेगा। और 2020 में यदि मेरे बात से आप सहमत हो और कई विद्वान पत्रकार सहमत हैं कि तेजस्वी यादव को 2020 विधानसभा चुनाव में कास्ट इक्वेशन तोड़कर कई युवा जो परंपरागत राजद का वोट बैंक नहीं माना जाता था, उस समुदाय के युवा ने भी राजद को वोट दिया है, खासकर रोजगार के इशू पे। तो एक मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी यादव की तरफ से। बाकी चीजें तो अब है। आखिरी सवाल ऋषि मिश्रा जी, नीतीश कुमार 4000 की संख्या पर बार बार अटक जा रहे हैं, 4000 एमपी कल भी बोलकर चले आए हैं जिताने की, ये 4000 फोबिया कहां से आ गया है? अब नीतीश कुमार, अब देखिए एक बात मैं आपको थोड़ा सवाल से अलग बता दूं, जिस प्रकार से के पाठक और गवर्नर के बीच रस्साकसी चल रही है, वो भी तब जब बीजेपी जेडीयू की सरकार है, आप समझ सकते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नर के ओएसडी या गवर्नर के सेक्रेटरी को धमकी भरा पत्र लिखता हो, आदेश देता हो, गवर्नर को बताता हो कि आप अब विश्वविद्यालय के कस्टोडियन नहीं है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के मन में भी कुछ न कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आपको ये मजाक लगे, और नीतीश कुमार जब जब ये कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे तब वो पक्का जाते हैं। तो दर्शकों को ये बता दूं, आज के भी आप बिहार के तमाम समाचार पत्रों को खोल के दर्शक देखे, खासकर बिहार से संबंध रखने वाले जो दर्शक हैं, उसमें देखिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी गवर्नर को चैलेंज कर रहा है तब जब जेडीयू बीजेपी की सरकार है। क्या आपको लगता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि गवर्नर से सीधे पंगा ले? तब तक जब तक कोई पर्दे के पीछे कोई पावर सेंटर नहीं है जो उनको सपोर्ट कर रहा हो, आप देखिए तो थोड़ा समय लेंगे आपका, थोड़ा हमारी माँ भी कहती है या तमाम ऐसे लोग कहते हैं जो जो शिक्षकों से हमदर्दी रखते हैं, उनके लिए वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार ने विधानसभा पटल पे ये कह दिया कि शिक्षकों की टाइमिंग ये होगी, और एक बार नहीं दो दो बार कह दिया, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जैसे सीनियर नेता ने कह दिया विधानसभा पटल पे, तब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सीएम के कहे हुए बात को भी विधानसभा पटल पर मानने से इनकार कर दिया। इन दिनों गर्मी छुट्टी है 15 अप्रैल के बाद, फिर भी पाठक सरकार के आदेश को धत्ता बताते हुए अब कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्कूल चलेगा। पाठक साहब गवर्नर से जिस प्रकार से पंगा ले रहे हैं, तब जब जेडीयू बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, सांसदीय चुनाव को देखे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा डेवलपमेंट लेंगे, लेकिन ये इंडिकेशन है। ऋषि जी आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की लोकसभा के साथ विधानसभा करवाने की जिद को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना और चुनाव साथ साथ नहीं हुए? ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव के बहाने के पाठक को पर्दे के पीछे से सह देकर और सामने से कुछ और बात कहकर भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि यहाँ नीतीश कुमार का चुनाव नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी का चुनाव हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी के चुनाव में नीतीश कुमार पलीता तो नहीं लगवाना चाहते वोटर को नाराज करके, इलेक्शन ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को नाराज करके, जिनके हाथ में मशीन का कंट्रोल होगा चुनाव में? बिल्कुल आप कह सकते हैं, और शिक्षक वर्ग में बहुत नाराजगी है, क्योंकि मैं मेरे परिवार में भी कई शिक्षक हैं, शिक्षकों में काफी नाराजगी है अभिषेक जी। आप गर्मी छुट्टी में आपने स्कूल ओपन कर दिया, कई ऐसे महत्वपूर्ण पर्व है, आप बीजेपी कहती थी कि भाई ये तो मुसलमानों की पार्टी है जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, आप तो जेडीयू बीजेपी की सरकार है बिहार में, आप पाठक साहब क्यों छुट्टियां रद्द कर रहे हैं, खासकर तब जब हिंदुओं का पर्व होता है। अब देखना तो 17 तारीख को है कि रामनवमी में स्कूल खुला रहता है या बंद रहता है, तो ये बड़ा है। और ये कोई एसीएस, हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी, एसीएस तो छोड़ दीजिए, चीफ सेक्रेटरी का ये कैपेसिटी नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम के किसी ऑर्डर का अवहेलना कर दे, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक नीतीश कुमार के जिस प्रकार के ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ खेल है,
और आज का आप समाचार पत्र बिहार को उठा कर देख लीजिए, जिस प्रकार से राजभवन यानी गवर्नर और के पाठक के बीच में रस्साकसी हो रहा है। के पाठक गवर्नर को आदेश दे रहे हैं, क्या आप बीजेपी को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं या बीजेपी को उकसाने का काम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ऐसे कुछ डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं जिसके बहाने वो फिर गठबंधन से बाहर जाए? क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार के जो आकांक्षा था, इच्छा था, उसको पूरा बीजेपी नहीं कर पाई? विधानसभा जो भंग करना चाहते थे, जो के पाठक जिस के पाठक का केंद्रीय प्रतिनिधि पर एनओसी मिल गया था, फिर भी वो अभी भी बिहार में काम कर रहे हैं और बार बार ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं गठबंधन में रार हो रहा है। सम्राट चौधरी तक ने बयान दे दिया कि स्कूल की टाइमिंग ये होगी। कई उपेंद्र कुशवाहा ने तो उनको हिटलर तक कह दिया, के पाठक को। उपेंद्र कुशवाहा भी उस घटक के हिस्सेदार है, फिर भी नीतीश कुमार का एक्शन नहीं लेना कुछ न कुछ ये इंगित करता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे जो सामान्य जो पॉलिटिकल सिनेरियो दिख रही है, पर्दे के पीछे कुछ मुझे लग रहा है कुछ न कुछ डेवलपमेंट है। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत भी हो, लेकिन जो एसीएस के पाठक कर रहे हैं बिहार में, वो बिना किसी बदहस्त, बिना किसी बड़े पॉलिटिकल पावर सेंटर के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझसे बीजेपी के ही एक नेता ने, बिहार भाजपा के एक नेता ने कुछ महीनों पहले कहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में बुनियादी फर्क यही है कि नरेंद्र मोदी यदि किसी से राजनीतिक तौर पर बदला निकालते हैं, अपना बदला साधने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को दिख जाता है कि वो बदला ले रहे हैं। नीतीश कुमार जब बदला साधने की कोशिश करते हैं तो बदला साधने के बाद पता चलता है कि नीतीश कुमार ने बदला साध लिया। तो के पाठक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एक बहुत तेज तर्रार आईएएस अधिकारी, उनका इस्तेमाल चुनाव के मौके पर चुनाव की कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाले शिक्षकों से सीधे सीधे पंगा लेकर आखिर नरेंद्र मोदी की साख दांव पर है, उनकी सत्ता दांव पर है, तो उनके पार्टनर नीतीश कुमार कौन सा खेल खेल रहे हैं ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि मोटे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। जिनके घर में मास्टर साहब हैं वो सब आकर के बताते हैं कि एक बूथ पर एक मास्टर साहब कितने वोटों का खेल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बिहार का खेल है। और इन सब खेल के बीच में पीला लिफाफा की चर्चा अभी हो रही है। पीला लिफाफा शाहनवाज हुसैन यानी मोहम्मद शाहनवाज आलम यानी तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे को मिला, बड़े बेटे को नहीं मिला। और खबर आई कि आंसू भी गिरने लगे। जी आंसू भी गिरने लगे, लेकिन इन आंसुओं का मतलब जब लड़ाई नरेंद्र मोदी से है तो अल्पसंख्यक वोटरों के बीच में कितनी है ये आगामी चुनाव में तीसरे चरण में देख लिया जाएगा। एक थोड़ा सा दो सेकंड का अपडेट और दे दूं आपसे प्लीज, यदि आपका परमिशन हो। जी सरफराज और शाहनवाज आलम में मेरा ये मानना है कि शाहनवाज आलम बेहतर उम्मीदवार हैं, बेहतर छवि है। हालांकि बड़ी मंच से सरफराज अहमद जो बड़े बेटे हैं वो रोने लगे। अब कितना इसका प्रभाव पड़ता है, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, एक। दूसरी बात, देवेंद्र यादव जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राजद के, उन्होंने बगावत कर दिया है पार्टी से। पप्पू यादव के समर्थन में खुलेआम पूर्णिया पहुंच के प्रचार कर रहे हैं। तीसरा, अशफाक करीम जो लालू यादव के करीबी थे, फाइनेंसर माने जाते हैं राजद के, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब इसका कितना प्रभाव आपको पड़ता है लोकसभा चुनाव में, खासकर कटिहार में, अररिया में। और कहा यह भी जा रहा था कि लालू यादव ने कहा कि तुम निर्दलीय अररिया से चुनाव लड़ लो, जिसको लेकर अशफाक करीम तैयार नहीं थे। अब अशफाक करीम की नाराजगी, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं, मैनेजमेंट वाले आदमी हैं, मुसलमानों में ठीक ठाक छवि भी है। अब इसका प्रभाव कितना कटिहार में पड़ता है ये देखना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पूरे सीमांचल का मामला है अररिया और कटिहार का, और आज चर्चा हमने पूरे बिहार पर की। उम्मीद है दर्शकों को पसंद आई होगी आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में ऋषि मिश्रा जी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।